So hello everyone and welcome back to Java programming. So basically इस Java programming के tutorial में हम लोग आज देखेंगे introduction of Java. So इसके लिए first जानेंगे कि Java है क्या और second जानेंगे कि features क्या हैं Java के. So सबसे पहले देखते हैं कि Java है क्या. तो Java actual में एक object oriented programming language है जो कि software develop करने के लिए use होती है. आप कौन कौन से प्रकार के कैसे सॉफ्टवेयर, तो वो बेसिकली कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, विंडोज एप्लीकेशन बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बनाने हैं और वेब एप्लीकेशन, तो इन सभी में जावा का यूज़ किया जाता है. और जो आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं, एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग है, तो जैसे जो मोबाइल ऐप्स बनाए जाते हैं तो वो जावा प्रोग्रामिंग का यूज़ करके बनाए जाते हैं. तो बेसिकली ये थी जावा प्रोग्रामिंग और जावा एक ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. तो अभी भी ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड. सो अब हम जानते हैं कि फीचर्स क्या हैं जावा प्रोग्रामिंग के. सो फीचर्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, तो जावा प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा फीचर या फिर मोस्ट पॉपुलर फीचर कह सकते हैं बोर प्रिंसिपल. तो इसके लिए राइट वंस रन्स एनीवेयर. आप कोई भी जावा प्रोग्राम हम जब लिखते हैं तो सिर्फ एक बार लिखना है, फिर उसके बाद वो हर जगह रन करे. हर जगह रन मतलब हर एक प्लेटफॉर्म के लिए हमें अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ेगा. इसमें क्या होता है, हमने एक बार कोड लिख दिया तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है और वो बाइट कोड JVM में रन होता है, जिसके लिए JRE इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में. सो इसके लिए ये एक फीचर है जावा का. अब जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, मतलब मशीन पर डिपेंड नहीं करती है. आपने एक बार कोड लिख दिया, अब वो हर जगह चलेगा, बस उसमें JRE इंस्टॉल होना चाहिए उस सिस्टम पर. सो इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं. और डिपेंडेंट मतलब प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करे. प्लेटफॉर्म मतलब प्रोसेसर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम. सो आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का यहाँ पर ये मीनिंग दिया गया है. तो इसके लिए अभी JVM मैं अगले लेक्चर में हेलो वर्ल्ड होगा, इसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा. JDK, JVM एंड JRE तीनों बता दूंगा होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है. तो अभी के लिए ये नहीं समझ आ रहा तो रहने दीजिए. अब यहाँ पर जावा का नेक्स्ट फीचर है मेमोरी मैनेजमेंट. अब जैसे सी या सी प्लस प्लस पढ़ी होगी तो उसमें क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट हमें मैनुअली करना पड़ता है, बट जावा में ऐसा नहीं है. ये ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट सपोर्ट करती है, जिसमें हमें खुद से मैनुअल नहीं करना पड़ता है कुछ. ये ऑटोमेटिकली फ्री कर देती है या फिर रिलीज कर देती है मेमोरी. तो ये एक फीचर है जावा का मेमोरी मैनेजमेंट. एंड ये इस मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करती है. तो जब हम मल्टीटास्किंग या मल्टी थ्रेडिंग पढ़ रहे होंगे तो थ्रेड के बारे में पढ़ेंगे और तब हमें और अच्छे से समझ में आएगी कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है. यहाँ तो सिर्फ एक फीचर के तौर पर अभी पढ़ रहे हैं कि मल्टी थ्रेडिंग एक जावा का फीचर है. और फिर नेक्स्ट फीचर है सिक्योर. तो जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे पाइथन, FSC, C++, तो इनके कंपैरिजन में जावा इज द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज. तो ये एक फीचर है. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब हर एक प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मदद से ही लिखा जाएगा. इसमें कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि हम बिना ऑब्जेक्ट और क्लास के लिख पाए. अभी ऑब्जेक्ट और क्लास क्या है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, और जब हम ये पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. तो इसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हेलो वर्ल्ड इन जावा. तो इसके लिए फिर देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रोग्राम लिखा जाता है और उसमें सब कुछ क्या है. तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.